कई घंटों तक लाइन में खड़ी रही 90 के दशक की ये मशहूर अभिनेत्री किसी ने पहचाना तक नहीं। मीनाक्षी सेशाद्री, मीनाक्षी सेशाद्री 90 के दशक की सुपरहिट अभिनेत्रियों में से एक हैं। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने अचानक सिनेमा जगत को अलविदा कह दिया। हालांकि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। इस बीच अभिनेत्री ने ट्वीट किया है जो चर्चा में बना हुआ है। इस पोस्ट के साथ अभिनेत्री ने एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में अभिनेत्री ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। अभिनेत्री ने लिखा, मैं 8 घंटे से लाइन में खड़ी हुई हूं, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना तक नहीं। यह अमेरिका है। इससे पहले अभिनेत्री ने एक और तस्वीर शेयर की थी। यह एक तस्वीर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू ऑफिस के अंदर की है। इसमें मीनाक्षी बैठी हुई है और अपने नंबर आने का इंतजार कर रही है। इसे शेयर करते हुए लिखा था, 6 घंटे से इंतजार कर रही हूं। इन तस्वीरों में बेशक मीनाक्षी सेशाद्री को पहचाना मुश्किल है। मीनाक्षी के लुक में समय के साथ काफी बदलाव आ गया है, जो कि तस्वीर में साफ नजर भी आ रहा है। मीनाक्षी ने 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली थी। शादी के बाद अमेरिका के प्लानो टेक्सास में जाकर बस गई। दोनों ने न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड मैरिज की। इनके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। अभिनेत्री ने फिल्मी सफर की बात करें तो इन्होंने 17 साल की उम्र में साल 1981 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मिस इंडिया का खिताब जीतने के 3 साल बाद ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म पेंटर बाबू थी। मीनाक्षी सेशाद्री को सभी ने फिल्म हीरो से नोटिस किया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ थे। इसके अलावा मीनाक्षी सेशाद्री ने दामिनी फिल्म से सभी को अपने अभिनय का कायल बना दिया था।